सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्य गरबा महोत्सव 2016 का सातवां सीजन है, पांचवें दिन की सुहानी सी शाम है और जितने भी कंटेस्टेंट्स इस वक्त आपके सामने खड़े हैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मैं 10 बजे से इन्हें मैंने बांधे रखा है। तो सबसे पहले क्या कमेंट देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी इस परिवार में, जीतू भैया का यह आयोजन, इस आयोजन समिति के सदस्य और जीतू भैया के लिए क्या कमेंट देना चाहेंगी? ऑलराइट, सिसलिंग से जोरदार हाथ ऊपर उठा के बताएंगे भाई, लड़कियां लड़कियां फीमेल फैन फॉलोइंग, लड़कियां हाथ ऊपर उठा के बताएंगे। ऑलराइट, आपसे जानना चाहेंगे। ऑलराइट, हमारे बीच और तीसरी सेलिब्रिटी से तो मैं इंटरेक्ट कराना भूल ही गया, इन्हें आप जानते हैं, जस्ट वेरी राइट साइड, वही निशा और मेरे कजिन्स, किस किस ने देखा है टेलीविजन से। लेकिन अब जो इनकी अपकमिंग सीरीज है सोनी भी आने वाला है मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे बेहद, जिसमें हमारे सर साथ ही साथ हमारी प्यारी सी सिजनिंग सी हॉट सी जेनिफर मैम और हमारी प्यारी सी मीरी मैम, सबसे पहले कुशल सर आपके पास आऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियां हैं बहुत ही आपका देसर भी से इंतजार करी, क्या कहना चाहेंगे? उत्तम इंदौर, कैसे हो आप लोग, मजा आ रहा है? आप लोग सब लोग बेहद देखोगे, वादा है 11 अक्टूबर से 9 बजे देखोगे नहीं देखोगे? थैंक यू जेनिफर मैम, आपके पास आना चाहूंगा। स्पेशली हमारे भाई वो लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आपसे कब इंटरेक्ट होने का मौका मिलेगा। सबसे पहले अगर आपकी इजाजत हो तो आपके हाथों को मैं एक प्यारा सा फ्लाइंग किस, चलिए हमारे इस आयोजन हिम्मत कैसे हुई मेरी माया, बॉस इस वक्त मेरे सामने तो थोड़ा मुझे डरना पड़ेगा। जेनिफर मैम क्या कहना चाहेंगे और पूरे इस आयोजन के लिए, फैंस के लिए, इंदौर आके कैसा महसूस करें? आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप सब सारी लड़कियां, सारे लड़के लड़की बहुत हैंडसम लड़के हैं, लड़कियां बहुत प्यारी लग रही है आप, और वहाँ की लड़कियां कितने कलरफुल, यू हाउ ब्यूटीफुल आर यू ऑल लुकिंग, इट इज सो नाइस टू बी हियर, थैंक यू सो मच, आपने हमारा इतने अच्छे से वेलकम किया, इतने प्यार के साथ वेलकम किया, थैंक यू। और हम जैसे निशा ने कहा कि हम यहाँ आए हैं बेहद को प्रमोट करने, बेहद शुरू हो रहा है 11 अक्टूबर से मंडे टू फ्राइडे 9 बजे, प्लीज देखना ना भूलिए सोनी टीवी पर, अभी से अपने कैलेंडर्स और अलार्म सब सब लगा कर रखिए, आप देखेंगे ना प्यार से। और थैंक यू गाइस, हैव फन, खूब एंजॉय कीजिए और बहुत ही सुंदर लग रहे हो और नवरात्रि इज माय फेवरेट फेस्टिवल, तो आई कैन फील यू ऑल की ये एनर्जी आपकी जो आ रही है वो बहुत ही क्रेजी वाली है, जितना प्यार पहले दिया है आई होप कि आप लोग हमें उतना ही प्यार बेहद दिए देंगे। तो बेहद शुरू हो रहा है 11 अक्टूबर को रात को 9 बजे सोनी टीवी पर, सो प्लीज 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 वॉच बेहद माया सांस और अर्जुन की कहानी, थैंक यू सो मच। सर आपसे मैं एक स्पेशल कमेंट चाहूंगा, हमारे यहाँ के राहु के विधायक जीतू पटवारी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे आप सिखाएंगे तो बहुत ज्यादा, सर खुशहाल, थैंक यू जीतू जी, हमें आप लाने के लिए, आप बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत बहुत प्यारे लोग हैं हमें इंदौर के, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, चिल्लाओ देखोगे नहीं देखोगे, थैंक यू थैंक यू। ऑलराइट, फाइनली
कलरा बोल शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार दी जय जय माता दी। जो ना बोले महामाई का चोर चोर तो बोलो। राइट, थैंक यू सो मच। और पूरी उम्मीद है हमारे इंदौर की जनता आपको बहुत प्यार देती है। आपका अपकमिंग सीरीज बेहद स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of October 9 बजे बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा। एक फाइनली आखिरी आपसे कमेंट, जीतू पटवारी जी यहाँ के विधायक हैं, समाज हित में बहुत काम करते हैं और यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। जीतू पटवारी जी के लिए कोई स्पेशल कॉमेंट जिन्होंने आपको यहाँ इन्वाइट किया आज? Alright, thank you so much, ma'am. आप सभी इंदौर में आए हैं। तो ये थे हमारे मास्टर कुशाल सर और साथ ही साथ हमारी जेनिफर मैडम। भाई एक बार जोरदार चीयर अप करेंगे हमारी स्टारकास्ट के लिए। जोरदार हाथ ऊपर उठा के जोरदार जोरदार। Alright. एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, जीतू पटवारी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच जीतू जी कि आपने खास में यहाँ पर बुलाया और हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आके हमारे शो बेहद को प्रमोट कर सके। और आई रियली होप कि आप लोग सब बेहद देखेंगे 11 अक्टूबर को रात को 9 बजे। प्लीज प्लीज वॉच द शो, हमने बेहद बेहद मेहनत की है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब हम चलेंगे वहाँ पर सेंटर ऑफ स्टेज पे, गरबा करेंगे, रिदम रेडी कर दिया जाए। और यहाँ पे जितनी ऑडियंस है भाई, आपका इंतजार, आपका अप्लॉज बिल्कुल मान्य होगा। अब चलेंगे हमारी स्टारकास्ट के साथ सेंटर स्टेज पे गरबा करने। कौन कौन रेडी है हाथ ऊपर उठा के बताएंगे? ऑलराइट, तो मेरी रिक्वेस्ट, अब हम चलते हैं सेंटर ऑफ स्टेज की तरफ, गरबा खेलेंगे। चलिए मंच थोड़ा खाली कर दिया जाए।